हेलो एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हमने स्पिनिंग की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। सॉरी फॉर दैट वीडियो, ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम्स के वजह से हमारा वीडियो हाफ रह गया था। सो आई विल कंप्लीट हियर अगेन। सो पेज नंबर 21, ओपन योर पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में हम सिंपल डिवाइस यूज स्पिनिंग को हैंड से किस तरह से यूज किया था, उसमें हमने टकली के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। ठीक है, तो जो सिंपल डिवाइस होते हैं स्पिनिंग को, उसको हम हैंड्स के थ्रू करते हैं, उसे हम टकली कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेट डिवाइस, जो दूसरा हैंड से हम ऑपरेट करते हैं डिवाइस को, उसमें स्पिनिंग की प्रोसेस होती है। स्पिनिंग की प्रोसेस में चरखा का यूज किया जाता है। ये जो चरखा था, ठीक है, उसको पॉपुलराइज किसने किया, पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। तो इंडिपेंडेंस का जब मूवमेंट्स था, ठीक है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस का मूवमेंट्स बनाया गया था, तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने उसे चरखा को प्रसिद्ध किया था, पॉपुलराइज किया था उसे। ठीक है, इंक्रेज पीपल टू वियर क्लोथ, लुक एट हियर, दिस इज चरखा। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके से हैंड्स की प्रोसेस हो रही है, एक तो टकली की प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चरखा है। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पे डिवाइस को टू हैंडों से उसे प्रोसेस किया जा रहा है, स्पिनिंग की प्रोसेस हो रही है। क्लोथ मेड ऑफ ह्यूमन स्पून यार्न टर्मिनेट एज खादी एंड शून इम्पॉर्टेंट क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की मिल्स में इस तरह से ये खादी के क्लोथ्स को पॉपुलराइज किया था महात्मा गांधी ने, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट गांधी खादी। तो इस खादी को प्रमोट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी। ठीक है, तो इस तरह के जो खादी थे उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के द्वारा खादी क्लोथ को पॉपुलराइज किया गया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो यार्न करने की जो स्पिनिंग की जो प्रोसेस है वो लार्ज स्केल्स में की जाती है मशीनों की तरह। जब बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है तो उसे स्पिनिंग की प्रोसेस को मशीन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, सो स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इस तरह से स्पिनिंग यार्न्स का यूज किया जाता है फैब्रिक्स बनाने में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यार्न टू फैब्रिक्स किस तरह से बनता है, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। यार्न मीन्स धागा, फैब्रिक मीन्स रेशा। तो ये जो होते हैं यार्न से धागा किस तरह से बनता है, सो देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सालों में कई तरीकों से फैब्रिक्स को बनाया जाता है यार्न से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो फैब्रिक को यार्न से बनाने की प्रोसेस में, यार्न से फैब्रिक बनाते हैं तो उसके टू प्रोसेस है, विच वन, वीविंग एंड नीटिंग। ठीक है, तो वीविंग और नीटिंग ये टू ऐसी प्रोसेस है जिससे यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। आपको ये लर्न रखना है, दिस इज टू प्रोसेस, यार्न से फैब्रिक बनाने की टू प्रोसेस है, एक तो वीविंग और सेकेंड इज नीटिंग। वीविंग, वॉट इज वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, अंडरलाइन हियर, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टूगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो ऐसे जो यार्न्स होते हैं, जो धागे होते हैं, उनको टू सेट्स में अरेंज किया जाता है साथ में, फिर क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो यार्न होते हैं, जो धागे होते हैं, उनको टू सेट्स में अरेंज किया जाता है, फिर उसमें से साथ में उसको अरेंज करके फैब्रिक बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो फैब्रिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज।
कम टू द पेज नंबर 22 पेज आप टर्न करोगे चैप्टर नंबर 3 में, तो आप देखो यहाँ पे टू स्ट्रिप्स दी हैं, पेपर की टू स्ट्रिप्स हमने ली हैं। लुक एट ये, यहाँ पे टू पेपर स्ट्रिप्स लिया है हमने। फिर ठीक है, एक तो ग्रीन कलर की है, सेकंड क्या है रेड कलर की है। तो टू स्ट्रिप्स को हमने क्या किया है, कट कर लिया है। फिर इसको इस तरीके से धागों के अंदर इस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ अरेंज कर रहे हैं। टू सेट्स पेपर को हमने क्या किया है, पेपर स्ट्रिप्स को अरेंज किया है साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीविंग की प्रोसेस होती है, फिर हमारा फैब्रिक बनता है। ओके, नाउ लुक एट हियर फिगर नंबर 3.13। अब 3.13 में हैंडलूम्स में, ठीक है, तो हैंडलूम्स में वीविंग्स ऑफ फैब्रिक इस तरह से बनता है। तो लुक एट हियर, इन सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। द यार्न्स आर सो मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स। अब जो ये पेपर स्ट्रिप्स होते हैं, यहाँ पे क्या किया है 3.13 में, एक्टिविटी में टू सेट ऑफ यार्न्स के यार्न्स लिया है और ठीक है उसे वूवन कर लिया है। ठीक है, उसे बुनाई की जा रही है, वूवन की जा रहा है पतले स्ट्रिप्स के, पतले पेपर स्ट्रिप्स पर। ठीक है, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन द लूम्स। जो वीविंग की प्रोसेस होती है फैब्रिक से बनाने की, उसे इस तरह से उसे लूम्स में बनाया जाता है। ठीक है, तो जो वीविंग की प्रोसेस होती है, फिर इसमें क्या किया जाता है, ये बड़ा पेपर स्ट्रिप होता है, उसमें फैब्रिक लिया जाता है, फिर उसके ऊपर इस तरह से धागे रख दिए जाते हैं, सारे धागों को सेट कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर इस तरह से उसे कॉम्बिंग किया जाता है। ओके, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेट और पाउडर ऑपरेट। जो लूम्स होता है वो या तो हैंड्स ऑपरेट किया जाता है अथवा तो पाउडर से ऑपरेट किया जाता है। नाउ सेकेंड इज नीटिंग। वॉट इज नीटिंग, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड्स। तो नीटिंग क्या होता है, नीटिंग मीन्स बुनना। ठीक है, तो किसी भी चीज को, धागे को हम जब बुनते हैं, तो बुनते किसको है, कौन से धागे को बुनते हैं, वूलन क्लोथ होते हैं। ठीक है, जो हम विंटर में पहनते हैं, तो वूलन क्लोथ में क्या आता है, स्वेटर है। ठीक है, तो इस तरह से मफलर है, स्वेटर है। तो ये क्या होते हैं, जो स्वेटर और मफलर बनते हैं उसे नीटिंग प्रोसेस करके बनाया जाता है। उस तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं उसे किससे बनाया जाता है, नीटिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, मीन्स बुन कर बनाया जाता है। ठीक है, अ सिंगल यार्न इज, लुक एट हियर फिगर नंबर 3.14 में आप देख सकते हैं नीटिंग के प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, एक फैब्रिक कपड़ा लिया है, उसमें फिर क्या क्या लिया है, यहाँ पे एक धागा लिया है वूलन का। ठीक है, वूलन का धागा लिया है, फिर उसे नीटिंग किया जा रहा है, मीन्स उससे बुना जा रहा है। यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, आपको क्या करना है, एक फैब्रिक का पीस लेना है। ठीक है, हैव यू इवर पुलेट द यार्न फ्रॉम टू टर्न पेयर ऑफ सॉक्स। फिर ये जो नीटिंग की प्रोसेस होती है उससे सॉक्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस यार्न को बुन कर क्या होते हैं, सॉक्स होते हैं जो पैर में बनाए जाते हैं। ठीक है, उससे भी हम क्या कहते हैं, नीटिंग। तो जो नीटिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या किया जाता है, यान को बुना जाता है, वूलन यान होता है, उससे हम क्या करते हैं, बुनते हैं। ठीक है, तो बुन कर जो प्रोसेस की जाती है उसे हम नीटिंग कहते हैं। सॉक्स एंड नीटेड फैब्रिक, नीटिंग इज डन बाय हैंड। नीटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे किससे डन किया जाता है, हैंड्स के थ्रू किया जाता है, एंड आल्सो ऑन मशीन, और इसकी मशीन्स भी होती है। ओके, सो इट इज कंप्लीट, गेट इट दिस वन। नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स में क्या होता है, यहाँ पे उससे पहले हम ये पैराग्राफ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। जो वीविंग और नीटिंग की जो प्रोसेस करके जो कपड़ा बनाया जाता है, जो फैब्रिक्स बनाया जाता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट काइंड के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। उसका नीटिंग और वीविंग का यूज करके उसमें अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक बनाए जाते हैं। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। और जो ये फैब्रिक का यूज करके जो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लोथ के आइटम बना सकते हैं, जैसे स्वेटर है, ठीक है, सॉक्स है, ठीक है, मफलर है, तो इस मेट है। ठीक है, तो वीविंग की प्रोसेस से मेट भी बनाई जाती है, चटाई बनाई जाती है। ठीक है, और नीटिंग की प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, स्वेटर, मफलर, इस तरीके से। नाउ लुक एट 3.6, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल।
अब जो क्लोथिंग की मटेरियल, जो क्लोथिंग था हमारा, जो कपड़ा था, ठीक है, तो वो मटेरियल्स का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका मटेरियल्स किस तरीके से आया, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लुक एट हियर, आफ्टर सेकेंड पैराग्राफ, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब पीपल ने सेटल करना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, दे लर्न टू वीव, उन्होंने क्या सीखा, वीव, उन्होंने वीव करना सीखा ट्विंग्स में, ठीक है, ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स. उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आए, वो सेटल हुए, फिर उन्होंने क्या किया, वीव करना स्टार्ट किया, फिर ग्रास होता है जो घास होते हैं उससे क्या बनाया, मीट बनाना स्टार्ट किया, मीट मीन्स चटाई बनाना स्टार्ट किया एंड बास्केट, और बास्केट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है. फिर वाइन्स एनिमल्स फ्लीस ऑन हेयर, जो वाइन्स एनिमल्स थे उनके हेयर से वे ट्विस्टेड, उनके हेयर को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, मीन्स इस तरीके से दो पार्टों में ट्विस्ट कर दिया साथ में, और एक लॉन्ग स्ट्रेंड्स बनाया, एक लंबा स्ट्रेंड्स बनाया, धागे जैसा एक लंबा स्ट्रेंड्स बनाया. दिस वियर वूवेन इनटू फैब्रिक, फिर उसको क्या किया, वूवेन करके फैब्रिक बनाया, ठीक है. द अर्ली इंडियन व्योर, फिर इस तरीके से जो हमारे इंडिया में जो जल्दी लोग आए थे, हमसे पहले जो लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, वॉर किया, वॉर मीन्स पहनना स्टार्ट किया, फैब्रिक से बने, फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इनटू द रीजन नियर द रिवर ऑफ गंगा, ठीक है. तो जल्दी इंडिया, भारत के अंदर जो हमसे पहले लोग आए थे, उन्होंने क्या पहनना स्टार्ट किया, फैब्रिक से बने हुए कपड़े, तो कॉटन के जो फैब्रिक, कॉटन से बने हुए फैब्रिक के कपड़े पहनने स्टार्ट किए, जो कहाँ पे इसका रीजन हुआ, कहाँ पे हुआ था, गंगा रिवर के पास में, ठीक है. फ्लैक्स, फ्लैक्स, फ्लैक्स मीन्स फ्लैक्स, ये स्टूडेंट्स एक प्लांट्स का नेम है, ठीक है, ये फ्लैक्स, ये प्लांट्स होता है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लुक एट हियर, फ्लैक्स इज आल्सो प्लांट, फ्लैक्स क्या है, एक प्लांट है दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, तो वो हमें क्या देता है, एक नेचुरल फाइबर देता है. इन एंसिडेंस इजिप्ट, इजिप्ट के समय में, इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील्स. तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इजिप्ट के अंदर कौन सा फ्लैक्स को कहाँ पे कल्टिवेट किया गया था, तो आंसर विल बी रिवर नील, ठीक है, नियर द रिवर ऑफ नील, नील नदी के किनारे फ्लैक्स का जो कॉटन था, कॉटन और फ्लैक्स को कल्टिवेट किया था नील नदी के पास में. एंड वी आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, और फिर उसका यूज करके क्या बनाया था, फैब्रिक्स बनाया था, ठीक है, मीन्स उसका यूज करके क्या बनाया था स्टूडेंट्स, फैब्रिक्स बनाया था, मीन्स कपड़े बनाए गए थे फ्लैक्स प्लांट्स का यूज करके, ठीक है. इन दोस डे, अब इस समय में स्टिचिंग वाज नॉट नो, ठीक है, इस समय में क्या होता है, स्टिचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो गया है, लोग स्टिचिंग का यूज नहीं करते, पीपल सिंपली ट्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दियर बॉडी, जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स को ड्रैप कर देते हैं, ठीक है, उनके बॉडी से. मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वेयर यूज विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल्स, ठीक है. अब जो बाद में क्या हुआ था, सीविंग और नीडल्स, ठीक है, तो सिलने के लिए फैब्रिक में कपड़े को सिलने के लिए किसका यूज किया गया था, सीविंग ऑफ नीडल्स, सुई का यूज किया गया था, उसका इन्वेंशन हुआ, उसकी खोज हुई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, पीपल ने स्टार्ट किया स्टिचिंग करना फैब्रिक टू मेक अ क्लोथ, ठीक है, तो फैब्रिक से बने हुए क्लोथ को सिलना, स्टिचिंग में सिलना स्टार्ट किया. स्टिचेस क्लोथ हैव अ गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन, जो स्टिचेस क्लोथ थे, ठीक है, तो जो स्टिचेस ऑफ क्लोथ थे उसमें से क्या हुआ, मैनी टाइप के वेरिएशंस ऑफ क्लोथ बनाए उन्होंने, उसका इन्वेंशन करके, सीन दिस इन्वेंशन, बट इट्स नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे सारी, अब क्या हो रहा है, लेकिन इस समय में ये बहुत अमेजिंग हो गया है, फिर उससे अभी तो लोग क्या पहनते हैं, साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, इस तरह का यूज करके उसको स्टिचेस करके, सिलाई करके पीस ऑफ फैब्रिक में उसे लिया गया. जस्ट एज दियर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड इटन ऑल ओवर कम्युनिटी, अ लार्ज वेराइटी एक्सिप्ट ऑल
इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। ठीक है, तो इस तरह से लार्ज वेराइटी, जिस तरह से हम हमारे सिटीज में अलग, हमारे इंडिया में, इंडिया की कंट्री में अलग अलग टाइप्स के फूड को इटन करते हैं, वेराइटी ऑफ फूड्स इटन करते हैं, उसी तरह